Hello everyone, so welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider, Nisha Sharma. So, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you guys are good. जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं, हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को, ठीक है? So, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन सभी स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश लेक्चरर बनने का ड्रीम ले रहे हैं. तो भाई, आपको इंग्लिश लेक्चरर बनने से पहले प्रीवियस पेपर्स तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस लेवल से अपना एग्जाम आया था. तो आज की जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशल होने वाली है. इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश स्क्रीनिंग का ओरिजिनल प्रीवियस पेपर. गुड इवनिंग पूनम, ठीक है? तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश स्क्रीनिंग का प्रीवियस पेपर, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है, जो कि 18 मार्च 2016 को हुआ था. आपको पता है आज तक हरियाणा में एक ही बार स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ है, ठीक है? सबको पता है हरियाणा में एक ही बार स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ है और अब दूसरी बार होएगा मई में जब भी होगा, ठीक है? तो 30 क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीजीटी इंग्लिश, तो इसमें मैं वो 30 क्वेश्चंस कराऊंगी जो सिर्फ इंग्लिश के हैं. एक ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. मैम यहाँ पर मेवात लिखा है. आपको पता है हरियाणा में दो टाइप से पोस्ट आती हैं, एक आती है मेवात कैडर और एक आती है रेस्ट हरियाणा, मतलब बाकी हरियाणा की. तो जो बाकी हरियाणा वाला पेपर है वो मेरे पास बिल्कुल भी साफ नहीं है. किसी के पास साफ हो तो मुझे भेज देना, उसको भी मैं करवा दूंगी, ठीक है? वो मेरे पास है नहीं. ये मेवात कैडर वाला मुझे एकदम नीट एंड क्लीन मिला है, तो मुझे लगा पहले इसको करवा देती हूँ, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, है तो सेम ही लेवल, सब कुछ सेम है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. हाँ, जो रेस्ट हरियाणा वाला थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा आया था क्वेश्चन, और यहाँ पर 100-100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो करते हैं भाई स्टार्ट. पेपर बिल्कुल मॉडरेट है, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सही है ये. हाँ, अब देखते हैं, हरियाणा कैडर वाला भी करवा दूंगी. क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द फादर ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है वो इंग्लिश लिटरेचर में, फादर ऑफ इंग्लिश पोएम है, इंग्लिश पोएट है, वट एवर यू कैन से इंग्लिश पोइट्री है. तो किसको कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है? जोफ्री चौसर को कहा जाता है. और जोफ्री चौसर, यू ऑल नो वेल अबाउट द जोफ्री चौसर, जिसका जो टाइम एरा रहता है 1343 से 1400 के अराउंड रहता है, तीन राजाओं के टाइम पीरियड में जो है रहते हैं. और जोफ्री चौसर को कहा गया है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, एंड किसके द्वारा कहा गया है भाई? ड्राइडन के द्वारा कहा गया है, ठीक है? तो आंसर रहेगा चौसर. और किसके द्वारा कहा गया है भाई? ड्राइडन के द्वारा कहा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसके बाद मैं रेस्ट ऑफ हरियाणा वाला जो बाकी 30 क्वेश्चन है जो वो वाले भी करवा दूंगी, और एक पीजीटी इंग्लिश का स्क्रीनिंग हुआ था वो 30 भी करवा दूंगी, ठीक है? बट किसी के पास यदि नीट एंड क्लीन पेपर हो तो प्लीज मुझे सेंड कर देना 9991037768 पे, ठीक है? लेकिन पेपर एकदम नीट क्लीन होने चाहिए ताकि मैं दिखा भी करवा सकूं. अब देखिए नेक्स्ट है, हु रिस्टोर्ड रोमन कैथोलिज्म इन इंग्लैंड. हु रिस्टोर्ड रोमन कैथोलिज्म इन इंग्लैंड. इंग्लिश या इंग्लैंड के अंदर या इंग्लिश के अंदर जो रोमन कैथोलिज्म है उसको किसने मतलब एक तरह से रिस्टोर किया था? रिस्टोर का मतलब क्या होता है? दोबारा से वेल मैनेज करना. आपको पता है ये जो टाइम पीरियड था, ये किस टाइप का टाइम पीरियड था भाई? जब ये वॉर चल रहे थे, सिविल वॉर चल रहे थे, तो उस टाइम पे जो कैथोलिज्म था, दोबारा से जो चर्च वर्चो वाला जो सीन था, वो किस कौन उसके लिए बहुत ज्यादा क्रिएट कर रही थी सिनेरियो? तो वो थी भाई क्वीन मैरी. और ये कहते हैं इसने बहुत बंदे भी मरवा दिए थे, ऐसा कहा जाता है. इसको ब्लड मैरी भी कहा जाता है, जो आजकल बच्चे देखते हैं ना, ब्लड मैरी. तो इसी क्वीन मैरी के ऊपर बना है क्या भाई? ब्लड मैरी. तो क्वीन मैरी वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, तो ये इंग्लैंड की क्वीन थी, आपको पता है जो क्वीन मैरी है, ठीक है? और इसने रोमन कैथोलिज्म को रिस्टोर आप कह सकते हो किया था, ठीक है? कैथोलिज्म तो पता होगा ना, कैथोलिक्स जो चर्च वर्च का शासन था वो वाली टाइप की, मतलब चर्च को ही बहुत ज्यादा मानना, ठीक है? तो क्वीन मैरी रहेगा आंसर. आप पेपर को देखोगे ना, आई थिंक जिसने लिटरेचर पढ़ा है किसी से भी, तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी ज्यादा मुश्किल नहीं है. और हरियाणा वाले का भी हवा है, उसमें मात्र 4-5 क्वेश्चन है जो कैनेडियन और अफ्रीकन और वर्ल्ड लिटरेचर से हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा टफ लगा था. बाकी उसमें भी चौसर भर के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अंदर आर के नारायण भी दे रखा है, उसके अंदर इंडियन राइटिंग भी दे रखी है, और 3-4 क्वेश्चन कैनेडियन दे के, 2 ऑस्ट्रेलियन, 2 अफ्रीकन. तो थोड़ा वो 10 क्वेश्चन वर्ल्ड लिटरेचर के देखे, उसको स्टैंडर्ड बना दिया. बाकी 20 क्वेश्चन तो उसमें भी बिल्कुल मॉडरेट है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? देखो
स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज पोएट्स पोएट. हेल्ड मीन्स होता है एक तरह से पुकारा जाना, कहा जाना. तो स्पेंसर को कहा गया था पोएट्स पोएट्स. और अपनी जो इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज चल रही है, आई थिंक वी हैव कम्प्लीटेड 13 सीरीज. तो बच्चे मैं कहती हूँ ना, सीरीज बहुत बेशकीमती होती है. आज ये ऑफिशियल पेपर है और आप 13 सीरीज चेक कर लो, आपको इस पेपर के अंदर जो 13 सीरीज है 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 से 6 क्वेश्चंस चेक कर लेना, वो 13 सीरीज और ये आज का पेपर. ठीक है, तो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यूज की जो मैं करवाती हूँ आपको प्रीवियस एग्जाम्स. स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज द पोएट पोएट्स. तो स्पेंसर को जो पोएट्स पोएट्स बोला था, आई डोंट थिंक सो कि कोई लिटरेरी स्टूडेंट है उसको नहीं पता हो. स्पेंसर को जो पोएट्स पोएट बोलने का काम किया था वो किसने किया था भाई? चार्ल्स लैम ने किया था. ठीक है, वो किसने किया था? चार्ल्स लैम ने किया था स्पेंसर को क्या भाई? पोएट्स पोएट्स बोलने का काम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से. रेनेसांस वाज द मैनिफेस्टेंस ऑफ ए न्यू लाइफ एंड आउटबर्स्ट एंड विचुअस एंड फ्लोरिडिटी आफ्टर द क्रैम्पिंग रेस्ट्रेंट्स एंड द वैदरिंग्स एस्थेटिजम्स ऑफ द मिडल एजेस. ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे से दूर से देखना पड़ता है, ब्लर हो जाता है जब मैं जूम करती हूँ ना. जूम करती हूँ तो आपकी स्क्रीन पे तो क्लियर आ जाता है, मेरी स्क्रीन पे ऐसे फट जाता है थोड़ा सा. हाँ, ध्यान लगा के देखना पड़ता है. तो रेनेसांस वाज द मैनिफेस्टेंस ऑफ द न्यू लाइफ एंड द आउटबर्स्ट ऑफ द विचुअस फ्लोरिडी एंड द क्रैम्पिंग रेस्ट्रेंट विदरिंग एंड एस्थेटिज्म ऑफ द मिडल एजेस. ठीक है, तो रेनेसांस के बारे में ये जो बात है भाई, ये किसने बोली थी? तो रेनेसांस आपको पता है रिवाइवल, न्यू एरा, न्यू लर्निंग का जो पीरियड था. तो रेनेसांस के लिए ये बात किसने बोली थी? मूडी एंड लवेट, टिलियार्ड्स एंड माइकलेट्स एंड मेयर एंड वार्ड, ये सभी राइटर्स आपके लिए होपफुली नहीं होंगे क्योंकि नेट के राइटर्स हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है रेनेसांस के लिए, ये नॉन फेमस राइटर्स के अंदर आते हैं, नॉन फेमस क्रिटिक्स के अंदर आते हैं. तो ये जो वर्क बोला था ये टिलियार्ड्स, मतलब ये जो स्टेटमेंट स्पेसिफिक दी थी रेनेसांस के लिए, तो ये किसने दी थी भाई? टिलियार्ड्स ने दिया था. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु हैज मेड फॉलोइंग कमेंट ऑन मिल्टन. मतलब एक कमेंट है जो मिल्टन के ऊपर दिया गया है और पूछा गया है भाई क्या कमेंट है, ध्यान से पढ़ लेते हैं. मिल्टन टेस्ट वॉज एज सर्व हिज वर्ड्स एज पॉलिस्ड हिज मेथड. ये एक्चुअली है ना, किस तरीके की बुकलेट में थे, सीधी सीधी लाइन नहीं है, ऐसे कट कट करके लाइंस है, तो ऐसे ही स्कैन हुई है, कोई बात नहीं. हाँ, फॉलोइंग कमेंट ऑन द मिल्टन टेस्ट वॉज सर्व एज द वर्ड्स एंड पॉलिस्ड हिज मेथड एंड लैंग्वेज एज स्ट्रिक्ट एज दो हु वॉज द स्कूल ऑफ ड्राइडन्स एंड पोप डेट ग्रू अप when he was old, a literary past and the present just met him, nor did he feel like all the greatest man make the cast into the future. तो कहने का मतलब मिल्टन के लिए क्या कहा है भाई लाइन, कि मिल्टन टेस्ट वाज सर्व एज हिज वर्ड्स एज पॉलिश्ड हिज मेथड्स एंड द लैंग्वेज एज स्ट्रिक्ट दोज हू स्कूल ऑफ ड्राइडन. मतलब मिल्टन के स्टाइल्स की बात कर रहा है, कि मिल्टन का स्टाइल इतना ही स्ट्रिक्ट, इतना ही अच्छा था, इतना ही पॉलिश था, जैसे कि मतलब कहा गया था स्कूल ऑफ ड्राइडन एंड द पोप डेट ग्रो ऑफ मैन ही वॉज एन ओल्ड. मतलब क्या कहना चाह रहा है, कुल मिला के जब अलेक्जेंडर पोप और ये सब बड़े होंगे तो मिल्टन भी भाई मतलब उसी बढ़िया वाली कैटेगरी के अंदर है. मतलब बहुत अप्रिशिएट एक तरह से किया गया है, कि मुझे लग रहा है कि लिटरेचर का जो पास्ट और प्रेजेंट मिल रहा है, मतलब एक तरह से मिल्टन पोप और ये वो सबको एक तरह से एक ही तरीके के जो है राइटर्स के रूप में एनालिसिस किया है. तो ये जो है किसने कहा था? तो EW, EMW, टिलियार्ड्स, जॉर्ज सेंसबरी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड स्टाफोर्ड ऑफ ब्रूके. तो ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट थी ये मिल्टन के लिए बोली थी स्टाफोर्ड और ब्रूके ने बोली थी भाई ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट. एंड सैमुअल जॉनसन, यू ऑल नो वेल, सैमुअल जॉनसन जो फेमस है वो किसके लिए है भाई? फर्स्ट डिक्शनरी लिखी थी इंग्लिश लिटरेचर की, ध्यान रखना है आपने. सैमुअल जॉनसन ने फर्स्ट डिक्शनरी लिखी थी इंग्लिश लिटरेचर की. ठीक है, और ये जो है ये स्टाफोर्ड ब्रूके, ये इंग्लिश राइटर ही है. ठीक है, इंटरव्यू इस बार तो होगा ही नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. इंटरव्यू कैसा था और कैसा नहीं था, इंटरव्यूज तो वैसे फॉर्मेलिटी होते हैं सब्जेक्ट के क्वेश्चन, बट इस बार तो होगा ही नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं. नेक्स्ट है, डेट टू द हाइट ऑफ द ग्रेट आर्ग्यूमेंट आई मे असर्ट्स इटर्नल प्रोविडेंशियल्स एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू द मैन. हाई मतलब इतना बड़ा भयंकर वाला हिंट है, बच्चों बच्चे ने रट रखा है, जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन एंड दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम.
तो ये लाइन एक्सट्रैक्ट है कहां से भाई, तो सीधी सीधी सी बात है, दीज लाइन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, है ना। तो ये लाइन सबको पता है कहां से ली गई है, तो ये लाइन ली गई है पैराडाइज लोस्ट। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई स्टूडेंट इंग्लिश का ऐसा हो जिसने पैराडाइज लोस्ट को ना पढ़ा हो, उसकी 12 बुक्स की डिटेल ना पढ़ी हो, एडम ईव कहाँ होते हैं। मैंने ना पूरी 12 बुक के ऊपर पूरा डिटेल यूट्यूब पर ही वीडियो बना रखा है, जिसमें 12 की 12 बुक डिटेल में पढ़ा रखी है कि इस बुक से क्या क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्या आ सकता है, इससे क्या आ सकता है, ठीक है। हाँ क्लियर। नेक्स्ट है, Who called Milton's God gifted organ voice of English and the mighty mouth inverter of the harmonies? मतलब मिल्टन के लिए बात किसने बोली थी कि भाई तेरी आवाज तो मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक वॉइस है, एकदम असली बढ़िया वाली आवाज है, एकदम कहते हैं ना गॉड का गिफ्ट है तेरी आवाज तो, और इतना हारमोनियस, मतलब कहते हैं ना जब बोलता हो तो मुंह से फूल झड़ते हैं, मतलब वो वाला तुम्हारा मुख है, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन दिया है मिल्टन की वॉइस को, मिल्टन की मतलब चीजों को, मिल्टन के पॉइंट्स को। तो ये जो इतना सारा अप्रिसिएशन दिया है किसने दिया है भाई, ड्राइडन ने, कार्ले ने, लॉर्ड टेनिसन ने, मैथ्यू वर्नर्स। तो ये जो अप्रिसिएशन दिया है ये किसने दिया है भाई, लॉर्ड टेनिसन ने ये अप्रिसिएशन दिया था मिल्टन को, ठीक है। नेक्स्ट है, Which of the following arrangement of the Astebronnet works in the correct chronological order? आपका राइटर है Astebronnet और उसके वर्क्स दिए गए हैं जिनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो सीक्वेंस में अरेंज करना है तो रिलीजन मेडिसी, वल्गर सेरर, अम्ब्रोनेट, गार्डन ऑफ क्राइसिस। एक्चुअली मुझे इनका डेट तो याद नहीं, बट मैंने ना गूगल पे चेकआउट किया था और वो एक दूसरी कॉपी में लिखना था, सॉरी दूसरी कॉपी में लिखा था, तो मैं वो डेट मुझे ध्यान नहीं है, बट इसका जो सही फॉर्म है सबसे पहले रिलीजन मेडिसिन से लिखा गया था, बट मुझे ईयर ध्यान नहीं आ रहा, मैंने नोट डाउन तो किया था गूगल से चेक करके, वो कॉपी रह गई अंदर, छोड़ो चेक करना, मतलब ईयर ये पहले लिखी गई थी, फिर वल्गर एरर्स इसके बाद लिखी गई थी, अम्ब्रोनेट इसके बाद, और फिर गार्डन ऑफ सेरेसिस इसके बाद, ठीक है। तो इस सिक्वेंस से ये क्या लिखे गए थे भाई, वर्क जो है बेसिकली लिखे गए थे। तो इनका जो ऑर्डर है शायद मैं लिखना भूल गई, ठीक है, मतलब इसका वो ईयर तो चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है, देखो 30 क्वेश्चंस है, 30 में से आपको दो क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते मिलेंगे पीजीटी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नेट के नॉन फेमस से डालेगा, और मैं कहती हूँ इतना एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं है, 28 क्वेश्चन भी आप सही कर दोगे तो बहुत है। मैं वही बोलती हूँ 28 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, जो मैंने लिटरेचर आपको पढ़ाया है, पढ़ा रखा है, जो कोर्स में बच्चे हैं, तो कहने का मतलब, और जो यूट्यूब पर भी है वो भी काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा करवा रखा है, लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि दो क्वेश्चन के ऊपर कभी मत जाना। बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती करते हैं, भाई दो क्वेश्चन बहुत बुरे आ गए, ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, और आपको ये नहीं पता कि सिलेक्शन कैसे लेना होता है, पढ़ना कैसे होता है। मतलब मैं एक वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर कि पढ़ने का भी एक तरीका होता है, तैयारी करने का भी एक तरीका होता है। मान लो 30 में से दो क्वेश्चन नए हैं, अब बच्चे क्या करते हैं, हाथ पैर जोड़, वो क्या बोलते हैं, हाथ पैर धोकर दो क्वेश्चन के पीछे चले जाएंगे। दो क्वेश्चन के पीछे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आप कर देते हो, ठीक है। तो दो क्वेश्चन के पीछे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, आप उन 28 क्वेश्चन पे फोकस करो जो आपको आते हैं, सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने के, स्मार्ट वर्क मैटर करता है। हाँ, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ द पोएट्स हु एंटिसिपेटेड ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉल्डर एंड द मोर करेक्ट फ्रेजिंग ऑफ द वर्सिफिकेशंस। तो कॉल्डर का मतलब होता है एक तरह से कमेंट्री करने वाली, किसी को ठेस पहुंचाने वाली टाइप से, जो कुछ फ्रेजेस यूज करने के लिए कौन कौन से राइटर्स फेमस थे भाई। तो डन आ गया, डन तो भाई बिल्कुल भी नहीं था इस तरीके का बंदा, ठीक है ना। तो नन ऑफ दीज तो आएगा ही नहीं, सैमुअल बटलर भी इस टाइप का नहीं था, और हर्बर्ट कैशो भी इस टाइप का नहीं था, वॉल्टर कोवले एंड डेनहॉर्न, ये अब जैसे एक ये नया राइटर है, ये नेट की से बुकलेट से, यदि हम बहुत डीप इंग्लिश करते हैं तो इसी एज में है, नॉन फेमस के अंदर, बट ये दोनों आपको पता है, ठीक है। इब्राहिम कोई मिस्ट्रेस वाला और ये दूसरा, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप की फ्रेजिंग के लिए फेमस थे, तो आंसर रहेगा वन, आंसर रहेगा वन।
तीस क्वेश्चन ये, 30 क्वेश्चन हरियाणा स्क्रीनिंग, 30 क्वेश्चन टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग और 30 क्वेश्चन टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग में बात। ध्यान रखना ये 120 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हर बच्चे को याद होने चाहिए, 100% गारंटी दे रही हूँ। 2 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे 100%, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि स्क्रीनिंग का एक ही पेपर हुआ है तो वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर एनालिसिस करेंगे। एक दिमाग सेट कर लेना अपना, प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर एनालिसिस करेगा राइटर, और जब वो एनालिसिस करेगा तो देखेगा यहाँ यहाँ से क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो एक क्वेश्चन यू 2 क्वेश्चन तो एज इट इज वो उठा के डालेगा और फिर उनसे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट भी डालेगा, ठीक है। और पेपर ज्यादा हुए नहीं है, 4 हुए, चारों के चारों मैं आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट है ड्राइडन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द एप्सिलॉन एंड एचिटोफल। आई डोंट थिंक सो कि एप्सिलॉन एंड एचिटोफल के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा। तो एप्सिलॉन एंड एचिटोफल के अंदर स्टेरिकल इसने कैरी क्रिएशन किया, थॉमस शेडवेल एंड अलकनाह सेटल। अब ये भी कई बच्चों को नया नाम लगेगा बट मैं बता देती हूँ, अलकनाह सेटल जो है ये एक प्लेराइट था, इंग्लिश में ही एक प्लेराइट था। इसने क्या किया था, इसने जो अलकनाह सेटल्ड नाम का जो पर्सन है इसने क्या किया था, ड्राइडन के ऊपर बहुत सारा क्रिटिकल वर्क लिखा था, ड्राइडन के ऊपर कमेंट्रीज की थी। और कमेंट्री क्या की थी, इसने कुल मिला के ड्राइडन को मतलब अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया था, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसने जो है बहुत ज्यादा वे में प्रेजेंट नहीं किया था ड्राइडन को। तो ड्राइडन ने क्या किया कि ये बड़ा ज्यादा बनता है, सबकी बेइज्जतियां करता है, तो ड्राइडन ने अपनी एप्सिलॉन एंड एचिटोफल का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसको इंसल्ट किया था, ध्यान रखना है। तो ये एक राइटर है, प्ले राइटर है, अलकनाह सेटल ये एक प्ले राइटर है। और पार्टीज आप सबको पता, उस टाइम विग एंड टॉरिस जो है 2 पार्टी थी, तो विग एंड टॉरिस के टॉरी के जो है ये रिप्रेजेंटेटिव थे, विग एंड ट्रॉय टॉरे, ठीक है। तो ये इसके रिप्रेजेंट थे, सॉरी वो दूसरी वाली है विग एंड ट्रॉय, तो ये ध्यान रखना इनका। नेक्स्ट है ये कैरेक्टर तो काफी फेमस है भाई, जिन्होंने ड्राइडन को पढ़ा है, वेंटिडस, ठीक है, वेंटिडस ऑल फॉर लव, जो ड्राइडन का वर्क है ऑल फॉर लव, तो ये ऑल फॉर लव का ही हीरो है, ऑल फॉर लव का ही मेजर कैरेक्टर है वेंटिडस, ठीक है। तो वेंटिडस इज अ कैरेक्टर, तो वेंटिडस किसका कैरेक्टर है भाई, तो ये ड्राइडन का कैरेक्टर है ऑल फॉर लव, ठीक है, ऑल फॉर लव का ये कैरेक्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु डिस्क्राइब द रेस्टोरेशन कॉमेडी एज आर्टिकल, बता एज आर्टिकल, हाँ, ऐसा कौन सा राइटर है जिसने रेस्टोरेशन कॉमेडी को एक आर्टिक्स मतलब आर्टिकल के रूप में, मतलब एक आर्ट के रूप में, एक आर्टिकल, आर्टिकल एक अलग चीज होती है, किसी चीज के ऊपर कुछ आप लिख देते हो थोड़ा बहुत, वो चीज होती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक क्रिटिक है जिसने डिस्क्राइब किया है रेस्टोरेशन कॉमेडीज को, भाई जो रेस्टोरेशन कॉमेडीज हैं वो तो एक उसको एक आर्टिकल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब एक आर्टिकल में ही पूरी रेस्टोरेशन कॉमेडी को थीम आउट कर दिया, लोगों के सामने ला दिया, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये काम किसने किया था भाई, ड्राइडन, चार्ल्स लैम, मैथ्यू अर्नोल्ड या डॉक्टर जॉनसन। तो वैसे याद करना आर्टिकल लिखने से संबंधित, चार्ल्स लैम, एसेज ओफिलियाज, तो एसेज लिखने वाला बंदा कौन था भाई, चार्ल्स लैम था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करना, नहीं भाई मैथ्यू अर्नोल्ड नहीं आएगा, आर्टिकल फॉर्म में रेस्टोरेशन कॉमेडी पर कमेंट करने वाले मतलब जो इसको रिप्रेजेंट करने वाले थे तो वो कौन था भाई, वो था चार्ल्स लैम, ठीक है, वो कौन था, चार्ल्स लैम, गॉट इट, हाँ जी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु कॉल्स द 18th century एज एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। बहुत ही फेमस कोटेशन है, बहुत बार रिपीटेड कोटेशन है, बहुत एग्जाम में आई है, आसान सा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना उस क्रिटिक को जिसने 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा था, कि जो 18th सेंचुरी आई है वो प्रोज की एज है, रीजन की एज है। ये किसने कहा था भाई, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था, ध्यान रखेंगे। तो ये जो कहा था ये किसने कहा था, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था, और क्यों कहा था, प्रोज रीजन, क्योंकि अब तक जो टाइम पीरियड चल रहा था आपको पता है, जो स्टार्टिंग वाला एज है एलिजाबेथन एज है, फिर जैकोबियन एरा, जो पोप वाली एज चली, क्लासिकल एज चली, वो बिल्कुल हाई फाई एज थी, उसमें लोग अपने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते थे, जो बड़े कहते, जो चर्च कहते, जो क्लासिकल्स कहते, उसी के हिसाब से काम करते रहते थे।
तो अब जो ये अनलाइटमेंट एज आती है, जो रोमांटिक से पहले वाला जो एरा आता है, जिसमें फिर इन लोगों को ये लगा यार ये क्या है, हमें कुछ ज्ञान, अपने तर्क, अपने रीजंस भी लगाने चाहिए. जब आपको पता है जोसेफ एडिसन्स वगैरह आए, एसेज वगैरह लिखे जाने लगे, तो इंग्लिश लिटरेचर का एक वे जो है चेंज हुआ, लोगों की एक दृष्टिकोण चेंज हुआ, लोगों का एक नजरिया चेंज हुआ. तो यहाँ से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है लिटरेचर पर आता रहा था. तो ये काफी अच्छा सा एक सिनेरियो था लिटरेचर के लिए. ठीक है, तो ये जो काफी सारा चेंज आया था, तो इसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने कह दिया भाई ये इस तो प्रोज, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे प्रोज वर्क लिखे जा रहे हैं और सोच समझ के लिखे जा रहे हैं, तो प्रोज और रीजन केस जो इसको बोला गया था. नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं. ए लिटल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग. आपको पता है ये आता ना, ए लिटल नॉलेज इज डेंजरस. तो ये वाला कई बार ये ए फ्यू द फ्यू वाले कॉन्सेप्ट में आता है, तो ए लिटल आता है इसके आगे, ध्यान रखेंगे ए लिटल. ठीक है, तो ए लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, तो ये कोटेशन है और ये इतनी बढ़िया बढ़िया कोटेशन है. जैसे टू स्पीक इज एयर एंड टू फॉरगिव इज ह्यूमन, बोलना भगवान का काम है, देव, ये इस टाइप की बहुत सारी जो टू फॉरगिव इज मतलब डिवाइन है, फॉरगिव करना. ठीक है, तो इस टाइप की जो कोटेशंस हैं बहुत सारी, तो ये किसके द्वारा दी गई हैं भाई, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा दी गई हैं. तो ये किसके द्वारा दी गई हैं, पोप के द्वारा दी गई हैं. बट आप ध्यान रखेंगे पोप का एसे ऑन मैन में नहीं है, ये है एसे ऑन क्रिटिसिज्म में. ठीक है, तो ये किसमें है भाई, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, गॉट इट. तो किसमें है ये, एसे ऑन क्रिटिसिज्म के अंदर है. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट कोट है. ठीक है, फिर एक ये भी थी ना, टू एयर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन, ये भी इसी के अंदर है. टू एयर इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन, भाई गलती करना तो इंसान का काम है, माफ करना भगवान का है. पोप कह रहा है जो सबकी बैंड बजाता था, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द चर्चयार्ड स्कूल ऑफ पोएट. नमस्ते सुमित, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, इतना अच्छा पेपर निकाल के लाई हूँ देख तुम्हारे लिए स्क्रीनिंग का. What is the meant by the churchyard school of poet? Churchyard school of poet. So churchyard, जो चर्च के यार्ड में लिखते थे, मतलब चर्च की ओड में लिखते थे, चर्च के लिए लिखते थे, सीधा सीधा सा है, तो वो पोइट कौन थे. The poetry about the church is नहीं, the religious note of poetry. The poetry characterized by the melancholy and the suffering. मतलब चर्च यार्ड की पोइट्री क्या होती थी, चर्चेज में जो चल रहा था, लोग बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे, तो मेलंकली एंड सफरिंग्स को दिखाती थी, उस टाइम के सिनेरियो को दिखाती थी, तो उसको कहा गया था चर्च यार्ड. ये मत सोचना चर्च में लिखी, चर्च के साइड में लिखी. ठीक है, मतलब चर्चेज की दिशा को लिखने वाली मेलंकलिक जो पोएम थी, तो उस टाइप की जो दिखाती थी वो वाली थी चर्च यार्ड पोएम. ठीक है, नेक्स्ट है, द फॉलोइंग मोटो वाज अडॉप्टेड फॉर वट एवर मैन डू और से और थिंक और ड्रीम. Our Ranochi paper sizes for its themes. ठीक है, okay. ये क्या कह रहा है भाई, जब भी इंसान कोई ड्रीम लेता है, जब इंसान कुछ कहता है, जब इंसान कोई सपने लेता है, तो भाई हम तो उसको पेपर पर लिख देते हैं. मतलब आपने कुछ सोचा, आपने कोई ड्रीम लिया, आपने कोई सपना लिया, और मेरा काम है उसको पेपर पर लिखना. तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस वर्क के अंदर थी, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस वर्क के अंदर थी, तो ये द गार्जियन नहीं, द स्पेक्टेटर, द टेटलर. ठीक है, यहाँ पर टी मिसप्रिंट है, टेटल लिख रखा है, बट ये जो लाइन थी द टेटलर में से थी, ध्यान रखना द टेटल लिखा हुआ है, द टेटल, टेटलर. ठीक है, थ्री डेज इन ए वीक मैगजीन आती थी. नेक्स्ट है, एक दिन छोड़ के एक दिन, मंगलवार फिर एक दिन छोड़ दिया ना, वीरवार फिर एक दिन छोड़ दिया, शनिवार, इस तरीके से. नेक्स्ट है, हु डिफाइंस रोमेंटिसिज्म एज द रेनेसांस ऑफ वंडर. हु डिफाइन, किसने डिफाइन किया था कि जो रोमांटिसिज्म था वो रेनेसांस ऑफ वंडर था. तो रोमांटिसिज्म को रेनेसांस ऑफ वंडर किसने डिसाइड किया था, तो वाल्थर पीटर वेटिडेंटन्स एंड ये पूरे राइटर नए हैं छोड़ के कोलरिस को. तो ये स्टेटमेंट आप जस्ट याद कर लेना, ये वेटिडेंटन ने बोली थी और ये भी नेट का ही राइटर है, नॉन फेमस राइटर्स के अंदर है. तो रोमांटिसिज्म के ऊपर कमेंट्री की थी, क्रिटिक्स के अंदर से है ये, तो वेटिडेंटन ने. आंसर रहेगा टू. नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ एक्सेप्टेड द पोएट ल्यूरेटशिप आफ्टर द डेथ ऑफ साउदी. तो ये क्वेश्चन दो तरीके से घुमा के पूछ लेते हैं,
किसकी डेथ के बाद इसने जो पोएट ल्यूरेटशिप को अपनाया था या किया था, तो आपको ध्यान रखेंगे। ओके आई विल चेक। तो वर्ड्सवर्थ ने एक्सेप्ट किया था पोएट ल्यूरेटशिप आफ्टर द डेथ ऑफ द रॉबर्ट साउदी, ये 1843 में, ठीक है, 1843 में। हाँ, ये जो वर्ड है ना, लग रहा था कुछ उल्टा सीधा। डिस्क्राइब द रेस्टोरेशन कॉमेडी एज आर्टिशियल। आर्टिशियल कोई वर्ड नहीं होता, ये प्रिंटिंग एरर होगा, ये आर्टिफिशियल होगा, ठीक है, ये कई देर से मेरे दिमाग में चल रहा था। आर्टिकल ऐसा नहीं है, ये प्रिंटिंग एरर है, आर्टिफिशियल वर्क है ये। आर्टिफिशियल कहा था क्योंकि इसने, चार्ल्स रैम ने कहा था कि रेस्टोरेशन जो कॉमेडी है वो बिल्कुल नकली है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल। नेक्स्ट चलेंगे, कॉलरीज एम इन द लिरिकल बैलेट वॉर। लिरिकल बैलेट में जो कॉलरीज का एम था वो क्या था, टू डील विद द सुपरनेचुरल एलिमेंट, बिल्कुल उसने दिखाई है अपनी पोएम्स के अंदर ये चीजें, टू मेक द अनफेमिलियर फेमिलियर, बिल्कुल जो चीजें हमें पता ही नहीं होता उनको भी फेमिलियर करने का प्रयास किया है इसने अपने वर्क्स के अंदर, एस टी कॉलरीज ने। तो बोथ ए एंड बी, तो दोनों चीजों को हम इसमें मान के चलेंगे। कॉलरीज ने अपने वर्क्स के अंदर सुपरनेचुरल इवेंट्स को भी डिस्क्राइब किया है, अनफेमिलियर चीजों को भी फेमिलियर करने का डिस्क्राइब किया है, ठीक है। देखो सीमा, मैं अपनी कोशिश करती रहती हूँ यूट्यूब पर बहुत कुछ सिखाने पढ़ाने की, लेकिन आपको पता है 100% चीजें इम्पॉसिबल हो जाता है यूट्यूब पे करवाना। और मान लो मैं करवा भी दूँ, एक बात सोच के देखो, मैं 100% चीजें यूट्यूब पर करवा भी दूँ तो फिर वो बच्चे नहीं दुखी होंगे कि हमने तो 100% कोर्स में पढ़ा और आप यूट्यूब पे 100% करवा रहे हो। तो 100% कभी भी नहीं करवा पाते, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितना मैक्सिमम होगा मैं आप लोगों को करवाऊंगी, बट कभी भी 100% आपको पता नहीं हो पाता। यदि मैंने 100% ही यूट्यूब पर करवा दिया तो यूं बता, जो इंग्लिश लिटरेचर का इतने बच्चे जो कोर्स लेके बैठे हैं, जिसको बनाने में मैंने 8 महीने लगाए हैं, इतना ज़्यादा लिटरेचर, कैन यू इमेजिन, तो वो कैसे, आप खुद सोचो, 100% इट्स इम्पॉसिबल इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, बट आई विल ट्राई। मैंने साइकोलॉजी 100% ही करवा रखी लगभग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैज बीन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमेंटिसिज्म, ठीक है, तो रोमेंटिसिज्म का मैग्ना कार्टा किस वर्क को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा होता है अधिकार, मतलब किसी भी तरीके से कुछ अधिकार हमें मिलते हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, तो कुछ भी हमें अधिकार मिलते हैं। तो आपको पता, जो रोमेंटिसिज्म की असली हथियार, असली अधिकार, असली चीज है, ठीक है, तो वो जो चीज है वो क्या है, वो है लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, वो क्या है, लिरिकल बैलेट्स, गॉट इट। नेक्स्ट है, द सेकेंड रिफॉर्म बिल विच वॉज एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइज वॉज पास्ट, ठीक है, तो सेकेंड जो रिफॉर्मेशन बिल था जिसने एक तरह से फ्रेंचाइज वाला, फ्रेंचाइज पता क्या होता है, आपको पता ही होगा ना, फ्रेंचाइज किसी का नाम लेना, ठीक है, मान लो मेरा कोई नाम है, इस नाम को कोई ऑप्ट करना चाहता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी लेना बोलते हैं ना। तो ये सेकेंड टाइम, मतलब इसको एक तरह से रिफॉर्म किया गया था, मतलब इस बिल के अंदर 1867, ठीक है, तो 1867 में इसको रिफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ भाई पेपर कोई बहुत मुश्किल लग रहा है, नहीं लग रहा, पहले बच्चे पढ़ते ही नहीं थे 2016 में, रियलिटी बताती हूँ, 2016 में बच्चे पढ़ते नहीं थे, जिस इंग्लिश लिटरेचर के पेपर का हवा बना रखा ना, मैं आपको पेपर करवाऊंगी 20 क्वेश्चन, मैं कह रही हूँ 20 क्या 25 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा रखा उस कंटेंट के अंदर से ही है वो, और अब तो खैर 30 के 30 ही है क्योंकि वो कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन सब कुछ पढ़ा दिया, बट जब वो नहीं पढ़ाया करते, मैं तब की बात कर रही हूँ, कुछ भी नहीं था उसमें, 4 तो चौसर के क्वेश्चन दे रखे थे, 2 आर के नारायण के क्वेश्चन दे रखे थे, 1 इंडियन नाइटिंग का क्वेश्चन दे रखा था बस, ये जो ऑस्ट्रेलियन का एक क्वेश्चन डाल दिया था और 1 अफ्रीकन का डाल दिया था और 2 कैनेडियन के डाल रखा थे, उनसे ही हवा बन गया था 6-7 क्वेश्चन से ही, है ना। नेक्स्ट है, टेनिसन्स द, यार ये है ना, जितना ज्यादा मैं इसको वो कर लेती हूँ ना स्कैन, उतना ही मेरे को दिखना बंद हो जाता है, लाइट पड़ती है। टेनिसन्स द प्रिंसेस डील्स विद द थीम ऑफ, टेनिसन की द प्रिंसेस है वो किस थीम के साथ डील करती थी, इलिटरेट वुमेन की, कोई अनपढ़ औरत है उसकी कहानी को दिखा रखा था, ठीक है, और
एरिस्टोक्रेटिक वुमन शाही औरत को दिखा रखा था, द न्यू वुमन नन ऑफ दिस। तो टेनिसन ने प्रिंसेस के अंदर अपने बस ये डिस्क्राइब किया है न्यू वुमन, न्यू वुमन के रूप में डिस्क्राइब किया है, ना तो कोई एरिस्टोक्रेटिक थी ना ही कोई इलिटरेट थी, न्यू वुमन। ठीक है, तो आंसर रहेगा भाई थ्री। हाँ नेक्स्ट है, देखो मैं अपनी तरफ से 30 में से मतलब पूरे आंसर सही बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसका आंसर की मुझे नहीं मिला था, ये जिसने भेजा था गूगल चेकआउट करके मैंने, और कुछ मुझे बता था दो चार पे डाउट थे वो मैंने चेकआउट कर लेते थे, तो अपनी तरफ से मैं आपको ये 99.9 सही आंसर्स बता रही हूँ, कहीं मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ देखिए, हु इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ द फेमस पर्सियन वर्क रुलियात ऑफ रुलियात, ये बहुत फेमस है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक पर्सियन वर्क था जिसका नाम था रुलियात ऑफ ओमर खय्याम। ठीक है, रुलियात ऑफ ओमर खय्याम, रुलियात ऑफ ओमर खय्याम, ये वर्क जो है ट्रांसलेट किया था, तो ये किसने किया था भाई, एडवर्ड फिट्जरलैंड। ठीक है, एडवर्ड फिट्जरलैंड, एक आधी प्रोनाउंसिएशन भाई मेरी है ना इधर से उधर हो जाती है, कई बच्चे इस चीज पे मजाक बना देते हैं, क्या इंग्लिश की टीचर है, वो एक आधे वर्ड्स तो सही से बोलने नहीं आते। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि कुछ भाई बंधुओं को, कि कई बार पता क्या होता है, वी नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड बट स्टिल स्लिप, जो ये टंग है वो स्लिप होती रहती है, आई डोंट नो व्हाई, कुछ वर्ड्स के साथ हो जाता है मेरे साथ ऐसा, तो उस चीज को इग्नोर मारना। ठीक है, जैसे इसके साथ हो रहा है, स्विट्जरलैंड, आई नो द वर्ड, आई नो द वर्ड बट आई कांट प्रोनाउंस दिस वर्ड प्रॉपरली, यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। ठीक है, तो ये कमेंट्री कोई करेगा ना पिटेगा मेरे से, ये बढ़ रही अंग्रेजी की मैडम। ठीक है भाई, तो एडवर्ड फिट्जर डैश डैश डैश, आगे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट है, प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड वॉज फाउंडेड, तो आप सबको पता है जो प्री रेफेलाइट था वो एक पोइट्री था, एक मूवमेंट था, जिसमें ये प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड वॉज एक ग्रुप था इंग्लिश पेंटर्स का, पोएट्स का। ठीक है, तो ये इंग्लिश पेंटर्स पोएट्स का ग्रुप था 1848 के अराउंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है भाई। 1848 के अराउंड ये ग्रुप जो है आया था प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड वाला, इसमें जो डीजी रोसेट्टी थी, डीजी रोसेट्टी वो इसका मेन क्या था, हेड था। ठीक है, वो इसका मेन क्या था भाई, हेड था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्री रेफेलाइट जो है ये ग्रुप था इंग्लिश पेंटर्स का, पोएट्स का, ये 1848 के अराउंड जो है विलियम हंट, और इसके अंदर विलियम हंट, गैब्रियल रोसेट्टी, एवरलेट, ये विलियम हंट और ये गैब्रियल रोसेट्टी बड़े फेमस थे। ठीक है, पूजा ने मुझे हिंदी में भी लिख के भेज दिया, पर फिर भी मुझे पता है मैं अटकूंगी। ठीक है, तो मैं नहीं बोलूंगी, अरे बोलने का नहीं, समझ लेना ना। हाँ नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है, नेम ऑफ द इंडियन पोएट मिस्ट्रिक एंड फिलोसफर हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई डब्ल्यू वी गिट्स, तो आपको उस इंडियन पर्सन का नाम बताना है जो डब्ल्यू वी गिट्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, तो ये तो भाई अपने भारत का क्वेश्चन आ गया, फटाफट से बता दो कौन थे जो डब्ल्यू वी गिट्स, डब्ल्यू वी गिट्स याद होंगे सबको, जो अपने विक्टोरियन एरा के मॉडर्न एज के अराउंड जो पोएट हैं डब्ल्यू वी गिट्स, बहुत ज्यादा अच्छे पोएट हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू वी गिट्स, स्वामी विवेकानंद का कोई खास लिंकअप नहीं था इनसे, पुरोहित स्वामी, स्वामी राम तीरथ है ना, तो ये है भाई पुरोहित स्वामी, पुरोहित स्वामी जो है इंस्पायर थे किससे, डब्ल्यू वी गिट्स से, किससे इंस्पायर थे, डब्ल्यू वी गिट्स से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे इन्होंने ना एक चीज मेरे को पसंद नहीं आई, इन्होंने इंडियन राइटिंग नहीं दे रखी, मतलब ऐसा पहला ही पेपर देखा मैंने इंग्लिश का जिसमें इंडियन राइटिंग को स्किप किया है, जबकि जो हरियाणा वाला था ये मेवात कैडर वाला ना, हरियाणा वाले में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इंडियन राइटिंग के, जरूरी है, और टीजीटी वाले में दो तीन दे रखे हैं। नेक्स्ट है, डीएच लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ हिज नॉवल थॉट एडवेंचर आइडेंटिफाई द नॉवल, आपको उस नॉवल को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर डीएच लॉरेंस ने थॉट्स एडवेंचर्स इन सब के बारे में बताया है, भाई थॉट्स क्या होते हैं, एडवेंचर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया हुआ है, तो वो नॉवल कौन सा है,
लेडी चैटरलीज, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको पता होगा इसके ऊपर तो बैन वैन लग गया था, है ना, डीएच लॉरेंस का जो ये वाला वर्क था लेडी चैटरलीज लवर वाला, तो इसमें इसने एक बहुत ही हाई क्लास लेडी को एक मतलब सिंपल से किसी कहते हैं ना एक वर्कर टाइप के लड़के के साथ रिलेशंस बनाते हुए दिखाया था और काफी ओपनली डिस्क्राइब किया था, तो इस पे तो एक भयंकर वाला बैन भी लग गया था भाई। वुमेन इन लव में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें एडवेंचर्स को आइडेंटिफाई कर रखा हो, इनकी शक्ल ही देख लो नाम से कि लेडी चैटरली वुमेन इन लव, मतलब इनमें तो भाई लव स्टोरी पाएगी कहाँ से, एडवेंचर्स पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये देखो ट्रेसपासर्स नाम से ही दिख रहा है, कहीं कहीं से पास पूस हो रहे हैं हम, कहीं कहीं से पास होना मतलब कहीं घूम घाम के जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, और द ट्रेसपासर्स, तो ट्रेसपासर्स क्वेश्चन थ्री इज अ राइट आंसर, ठीक है। नहीं, स्वामी पुरोहित को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना इंडियन राइटिंग में, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये एक क्वेश्चन में आ रहा गलती से, कोई मतलब क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। रेनबो के अंदर भी तो इसने स्टोरी से ही दिखा रखी है, एडवेंचर्स थॉट्स वाले सीन तो नहीं दिखा रखा इसने, बाकी इस पे मैं एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के क्रॉस चेक करने के लिए छोड़ देती हूँ भाई। आई थिंक इसका आंसर ट्रेसपासर्स होगा, बट रेनबो में थोड़ा थोड़ा एडवेंचर तो था, बट 99.9% ट्रेसपासर्स में ज्यादा एडवेंचरी स्टोरी दे रखी है, दोनों ही चीजें, तो फिर आप थ्री में जाएंगे, ठीक है। रेनबो में भी बहुत सारी लव स्टोरी टाइप में ही है। नेक्स्ट है पॉल मोरल, तो पता ही होगा भाई एमए में, आई थिंक ये तो सबने पढ़ा ही होगा भाई, है ना, सनसन लवर्स, गर्ट्रूड मोरल, पॉल मोरल, तो भाई सन्स एंड लवर, ये है डीएच लॉरेंस का वर्क, सन्स एंड लवर के अंदर कैरेक्टर थी पॉल मोरल, ठीक है। पता होगा ना स्टोरी, उसकी माता होती है, तीन तीन गर्लफ्रेंड उसकी आती है, किसी को टिकने नहीं देती। हाँ, नेक्स्ट है द कैरेक्टर ऑफ द लियोपोल्ड एंड मिसेस ब्लूम अपीयर्ड, देखो द कैरेक्टर ऑफ द लियोपोल्ड एंड मिसेस ब्लूम अपीयर इन, जो कैरेक्टर है लियोपोल्ड और मिसेस ब्लूम का, तो वो अपीयर हुआ है जेम्स जोइसी की यूलिसिस के अंदर, ठीक है भाई। तो जेम्स जोइसी की यूलिसिस वर्क के अंदर लियोपोल्ड और मिसेस ब्लूम नाम से कैरेक्टर जो है गिवन है, ठीक है, कैरेक्टर जो है गिवन है। नेक्स्ट है हु ऑर्गेनाइज द फोर मॉस्किटर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, हु ऑर्गेनाइज द फोर मॉस्किटर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, लॉर्ड बर्टन रशेल्स, माइकल रॉबर्ट, स्टीफन स्पेंडन एंड ग्राहम ग्रीन। तो ये जो फोर मॉस्किटर्स वाला जो कंटेंट फेमस है वो स्टीफन स्पेंडर के लिए है, स्टीफन स्पेंडर आंसर रहेगा थ्री। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पायनियर्स ऑफ द एपोकलेटिक्स मूवमेंट्स ऑफ द कॉल्ड इन द न्यू एपोक्लेपिस एंड द वाइट हॉर्समैन, एंड दिस क्वेश्चन इज रियली न्यू फॉर मी, सो आई हैव जस्ट गूगल इट, तो आई कांट गिव यू द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस क्वेश्चन, कल दे दूंगी, ठीक है। एंड दिस इज क्वेश्चन इज रियली न्यू फॉर मी, तो ये वाला जो मूवमेंट है इसके ऊपर मैं कल एक छोटी सी, जब कल की एमसीक्यूज की क्लास शुरू करेंगे, तो अभी तो एक्चुअली पेपर मेरे पास आया था और मैंने थोड़ा सा स्पीड में करवा दिया। मेरा एक मानना है कि जिस क्वेश्चन के लिए मैं श्योर नहीं होंगी मैं पहले ही बता दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत हो जाए, ठीक है। तो आई एम नॉट आई एम श्योर अबाउट दिस आंसर, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, बट जब मैंने गूगल चेकआउट किया तो ये जो इस टाइप का जो कंटेंट है ये जे एफ हेनरी और हेनरी ट्रीस इससे मिला है, बट मैंने नहीं पढ़ा, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट। तो 30 में से 29 क्वेश्चन हम श्योर थे, बट इस क्वेश्चन को लेके मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। और बाकी वो जो रेनबो और ट्रेसपासर वाला है, रेनबो वाला, कि रेनबो में भी एडवेंचर की बात की गई थी, उसमें भी की गई थी, तो किसी के साथ बस तो दोनों ही ठीक है, बट बाकी उसको भी और भी ज्यादा क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। हाँ, मेरे हाथ में फोन नहीं है, मैं अभी कर लेती, तो इस एक क्वेश्चन को भाई मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ती हूँ। तो 30 में से 29 क्वेश्चंस मैंने आपको बिल्कुल डैम 100% सही आंसर्स के साथ बता दिया है, तो आई थिंक जिस बच्चे को अभी इस पेपर में 25+ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो
तो आप ये मानो कि डेफिनेटली डेफिनेटली आप स्कोर करोगे स्क्रीनिंग के एग्जाम में बेहतर, यदि आपको यहाँ 25 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सरप्राइज पेपर आपको करवाया है, और यदि आपको 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू आर श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड होप सो, इस एक क्वेश्चन का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, हम ढूंढ के ले आएंगे, क्योंकि मेरे को वो चीज पसंद नहीं है कि मैंने क्वेश्चन का उत्तर बता दिया, जब तक मुझे उसका अंदर का बात ही ना पता हो ना, तो उसका उत्तर बताने में मजा नहीं आता। तो हम इसको अंदर को खोजेंगे, और किसी को इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख डालना ये टर्म्स और ये सारी चीज, ठीक है। तो 29 में से एक क्वेश्चन की हेल्प तुम भी कर दो। हाँ, सो भाई बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एंड होप सो दिस सीरीज, ये सीरीज का ही क्वेश्चन था, और ये स्क्रीनिंग पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा कि स्क्रीनिंग में जो 30 क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे आएंगे। बट नेक्स्ट क्लास में हम 30 क्वेश्चन वो करेंगे जो हरियाणा वाले आए थे, और उसके अंदर लिटरेरी टर्म से भी क्वेश्चन थे, मूवमेंट से भी, और ये राइम स्कीम से भी क्वेश्चन थे, ए बी सी डी, इनसे बहुत क्वेश्चन थे। हाँ, ट्रेसपासर ही है यार, मैं श्योर हूँ, एडवेंचर वाला डीएच लॉरेंस को कहाँ भूलते हैं हम, इतना तो पढ़ रखा है, उसका आंसर ट्रेसपासर ही रहेगा, उसके आंसर पे आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने ना इतना भर भर के पढ़ रखा है डीएच लॉरेंस, तो ये ट्रेसपासर ही है, इसका आंसर रेनबो नहीं है, ठीक है। और इस एक क्वेश्चन को मैं छोड़ के जाती हूँ होमवर्क के रूप में, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल एक नई सीरीज नए 30 क्वेश्चंस के साथ। और आप में से कोई भी कमेंट्री तो करता ही नहीं, कमेंट में क्वेश्चंस कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा, कुछ नहीं कमेंट करते तुम, माँ निकम्मे बालक हो, तभी तो मेरा जी नहीं करता तुम्हें पढ़ाने को, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ये मजाक करने की मेरी आदत है। और जो इंग्लिश लिटरेचर को पूरा डीपली पढ़ना चाहते हैं 0 से 100%, तो वो अचीवर अकेडमी की ऑफिशियल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर का बैच है, चाहे आप कोई मर्जी एग्जाम दे रहे हो, एसटेट, सीटेट, डीट प्लस बीकेवीएस। अब जो बच्चे बैच वाले हैं बता सकते हैं, शायद 28 क्वेश्चन मेरे कंटेंट से हैं, 30 में से 28 क्वेश्चन मेरे कंटेंट से हैं, और वही 28-29 को मैं शोर थी, और एक क्वेश्चन मेरे कंटेंट से बाहर है, इसको लेके मैं भी शोर नहीं हूँ, ठीक है भाई, इतना तो हो ही जाता है, इंग्लिश यार बहुत बड़ी है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू पूनम फॉर ऑलवेज एक्टिव स्टूडेंट, एंड वन विजेंदर सिंह, गुड, हमेशा एक्टिव रहते हैं ये बच्चे इंग्लिश वाली क्लास में। नीलम, आई हैव परचेज यूर टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग बैच, इज दिस इनफ फॉर टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग? हाँ हाँ पूनम, यदि आपने टीजीटी, यदि मैंने बैच पे लिखा है टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग, तो मतलब दावे के साथ उसमें 100% से भी ऊपर आपको कंटेंट मिलेगा, तो डोंट वरी की गोली खाओ, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी किसी का कोई कमेंट नहीं था, मैंने कहा जो कमेंट है मैं एक बार फटाफट से रिप्लाई कर दूं। बस नो मोर कमेंट, बाय बाय, टेक केयर। पूनम मलिक, नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप एक बार फोन कर लेना और कहना आई एम पूनम मलिक, फिर जो आपने कुछ खजाना क्रिएट किया हुआ है यू कैन सेंड मी। बाय बाय।